हम दुमाना में हैं, और दुमाना में जो चोरी जो चोर पकड़े गए हैं जिसमें एक महिला भी है, और यहाँ पे प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका सामान जो है चोरी किया गया था, और चोरी करने वाला कोई और नहीं था, जिस पे ये सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी वो महिला थी, और उनके ज़रिए से जो है दूसरे जो साथी के साथ आके इनके घर से जो है चोरी हुई है। प्रियंका जी, क्या पूरी वारदात हुई है, कब चोरी हुई थी, क्या क्या आपका चोरी हुआ और किस तरह से? सर 22 तारीख को मैंने सामान पहना हुआ था, मैंने गले से उतार के उधर रखा था, और बाकी मेरा, हाँ जी, मंगलसूत्र 5 तोले का आप था। मेरे को ना प्रियंका, पहले ये बताओ आप करते क्या हो? मैं BSF में जॉब करती हूँ, पलोड़ा मेरी ड्यूटी है। तो जिस महिला के द्वारा ये चोरी की गई वो क्या करती है? वो भी BSF में जॉब करती है। BSF में जॉब, हाँ करती जी। कितनी देर से आप एक दूसरे को जानते हो? अभी 5-6 महीने से ही जानते हैं उनको। अच्छा, कहाँ की रहने वाली वो? वो तो गंग्याल बोला उन्होंने, गंग्याल की रहने वाली हूँ। उनको क्या तनख्वाह नहीं मिल रही थी जो उनको चोरी करनी पड़ी? सर कई तो होते हैं ना कि जिनका पेट नहीं भरता है पैसे, तो वो बाकी जो जिनको आदत होती है गलत काम करने की, चोरी करने की, तो वो क्या करेंगे? तनख्वाह कितनी मिलती है आपका और उसका रैंक सेम है? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। कितनी तनख्वाह मिलती है? कम लगभग आ जाती है हमारी 40,000 तक। 40,000? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो क्या किस तरह से चोरी हुई? मतलब हम बैठे हुए थे, मैंने पानी के लिए इनको पूछा, तो इन्होंने इनको मैंने पानी पिलाया, फिर इनकी बेटी भी आई थी मेरे साथ, एक लड़का आया था, इसकी बहन का बेटा। क्या नाम था इसका? उसका नाम है पनवीत। इस लड़की लड़की का नाम बलविंदर कौर। अच्छा। और जो लड़का है पनवीत था। अच्छा। तो लड़की इनकी मेरे पास ही बैठी रही थी, और ये दोनों बाहर भी गए थे, उधर मैंने पानी पिला दिया था, बाहर भी गए थे ये, बाहर से उठ के इन्होंने सामान उठा लिया होगा, मेरे को फिर भी नहीं पता चला, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे मेहमान समझ के मैंने सोचा कि ये घर में आए हैं। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरा सामान चोरी हो गया, फिर मैंने उनको पूछा प्यार से कि अगर मैडम आपने लिया तो बता दो, अगर गलती से भी उठा लिया या गलती से किसी ने, तभी नहीं ये माने, इन्होंने तभी माना, इनकार माना कर दिया। फिर मैंने अपने अफसर को बताया, उन्होंने भी कार्रवाई की, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, मैंने बोला मैं पुलिस रिपोर्ट करवाना चाहती हूँ, उन्होंने बोला ठीक है, इजाज़त दे दी उन्होंने। तो आपको शक था बलविंदर कौर पे? मेरे को इनके तीनों के ऊपर शक था, मतलब बेटी तो उनकी हिली नहीं है मेरे पास, ये दोनों बाहर ही रहे और अचानक जाने की सलाह कर ली, ये तो बीमार थी, इन्होंने बोला कि मैं आराम करने के लिए तेरे क्वार्टर में आऊँगी। ये वो बलविंदर कौर हैं जिनको अभी गाड़ी में लेके जाया जा रहा है? हाँ जी, ये बलविंदर कौर हैं। अच्छा, हाँ जी। आप क्या लगते हैं उनके? ये मेरी लड़की है। अच्छा, आप भी उस दिन वहाँ पे थे क्या? नहीं, मैं दूसरी। अच्छा, ये बाद में। हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे अब इस तरह से, जो BSF में कांस्टेबल होने के बावजूद भी भरोसा किस पे करें? वो तो है सर, BSF का इसमें क्या है, अब किसी के दिल का तो कोई जानता नहीं है, अब ना जॉब तो सारे कर रहे हैं, अब किसी के नेचर का कैसे पता चलता है ना, दिल में उनके दिल में क्या, हम तो मतलब एक फ्रेंड सोच के ही उनको बुलाया था, खुद बोला था आने के लिए, उन्होंने बोला मैं आ जाऊँ, मैंने बोला आ जाओ, मैं तो मना नहीं कर सकती थी। उसके बाद फिर देखो अभी ना दुमाना पुलिस वालों ने मेरी बहुत हेल्प की है, SHO ने, SSP ने, जो भी है, जितने सर लोग हैं सभी ने मेरी बहुत हेल्प की है, एक हफ्ते में मेरी रिकवरी कर दी उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। प्रियंका, मैं तुमसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या इससे पहले भी इसके द्वारा, बलविंदर कौर के द्वारा कोई चोरियाँ वगैरह की गई हैं या कुछ उस तरह का आपको लगा, जिस तरह से आपने कहा 5-6 महीने से मैं उसको जानती थी, कुछ लगा ऐसा कि वो चोरी कर सकती है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी जब ये पकड़ी गई उसके बाद में इसने कोई ये माना कि मेरे से कोई गलती हुई? नहीं, मैंने इनको पूछा, ये माने नहीं है, फिर मैं इधर पुलिस स्टेशन आई, इन्होंने कुछ कार्रवाई की होगी, इन्होंने आगे जो अपना काम किया होगा, इन्होंने पूछा, फिर इनको इन्होंने इनके साथ ही माने होंगे, मेरे सामने तो ये भी नहीं माने थे, साफ क्लियर बोल देते थे कि हमारे 3 बच्चे आए, हम 3 बंदे आए थे, अगर किसी ने उठाया तो हमारे 3ों में से 1 बंदा मर जाए, ऐसे बोलती थी। हाँ, यहाँ पे उसके बाद में जब से पकड़ी गई है तब से कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, नो सर। अच्छा, नहीं सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को, क्या अपनों पे भरोसा किया जा सकता है या अपने आस पड़ोस के लोगों पे, जिस तरह से हम आते जाते हैं एक दूसरे के पास? नो सर, है ना, नहीं करना चाहिए भरोसा, पता चल गया। तो ये आप देख सकते हैं प्रियंका जी हैं जिनके घर में इन्हीं की जो रैंक के साथ में BSF में एक कांस्टेबल है बलविंदर कौर, जिनको ये लगभग 5 से 6 महीने से जानती थी, उनके द्वारा विश्वास जीतने के बाद इनके घर में इनके फादर साहब को देखने के बहाने, मिलने के बहाने से जो है इनका मंगलसूत्र और बाकी सामान जो चोरी किया गया, जो आज रिकवर हो चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 40-50 हज़ार रुपया जिस की तनख्वाह हो उसको क्या ज़रूरत है चोरी करने की। इसलिए आप सबके लिए एक मैसेज है, एक सीख है कि भरोसा आप जो है सोच समझ के करें, ऐसा नहीं है कि हर किसी पे शक करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी पे भरोसा किया जा सकता है। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया, मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।